ओम नमः शिवाय 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 शिवरात्रि के बाद आज अमावस्या है। अमावस्या में गोरखगिरी की परिक्रमा चल रही है। सवेरे 6:15 बजे शिवतांडव से प्रारंभ हुई थी, जो अपने मार्ग में धीरे धीरे बढ़ रही है। इस समय हम लोग छोटी चंद्रिका के आगे हैं और हम लोग आज गोरखेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं कि विश्व में अमन चैन शांति स्थापित करवाएं। जो युद्ध का माहौल क्रिएट हो गया है उसको तुरंत रुकवाएं और जो धन जन की भारी हानि हो रही है उसको रुकवाएं, क्योंकि ये सब देश हित में नहीं है, ये दुनिया के हित में नहीं है, मानवता के हित में नहीं है। इसको तत्काल किसी न किसी तरह से रुकवाएं। ये जो विनाश लीला चालू हुई है, 1 हफ्ते से चल रही है, इसको तत्काल रुकवाएं। हमारी परिक्रमा इसी के साथ आगे बढ़ रही है, लगातार लगातार आगे बढ़ रही है और हम लोग अब पुलिस लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हम शूटिंग पॉइंट पहुंचेंगे, राइफल्स क्लब, उसके बाद हम लोग पुलिस लाइन, फिर पुलिस लाइन होते हुए वापस शिवतांडव पर आएंगे। आज की परिक्रमा का मुख्य जो प्रार्थना है, मुख्य लक्ष्य है, वो यही है कि विश्व में अमन चैन शांति हो और जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है उसको तत्काल रोका जाए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इसको रुकवाए, क्योंकि ये बहुत विनाशकारी है। सुखद बात यह है कि कीप से हमारे बच्चे निकल आए हैं, जो वहाँ फंसे हुए थे, बस खारकीव में बचे हैं वो और निकल आए। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी भारतीय वहाँ से सकुशल निकल आए, और जो एक बच्चा कल गोलीबारी में खत्म हुआ है उसकी आत्मा की शांति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उसकी आत्मा की आत्मा को शांति मिले। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।